हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी इंश्योर में। और आज हम बात करने वाले हैं LIC के न्यू जीवन शांति डिफर्ड एन्यूटी प्लान के बारे में। डिफर्ड का मतलब प्लान में आपको डिसाइड करना होगा कि आप कब से एन्यूटी यानी कि पेंशन लेना स्टार्ट करना चाहते हैं। जीवन अक्षय की ही तरह जीवन शांति भी एक अच्छा पेंशन प्लान है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जीवन अक्षय एक इमीडिएट एन्यूटी प्लान है, जहां आपको पॉलिसी बाय करने के तुरंत बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं जीवन शांति प्लान में पॉलिसी बाय करने के 1 साल 12 साल बाद जो भी ऑप्शन आप चूज करते हैं उसके बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। तो एक रेगुलर इनकम के लिए आप जीवन शांति प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पेंशन प्लान बाय करने से पहले आपको प्लान के हर पहलू को अच्छे से समझना पड़ेगा और प्लान को सोच समझ कर बाय करना होगा, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि ये प्लान आपके लिए सही नहीं है। वैसे तो LIC के लगभग सभी प्लान में सरेंडर बेनिफिट मिलता है, जिसके तहत आप अपने प्लान को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर वैल्यू में आपको परचेज प्राइस का 100% यानी कि 100% नहीं मिलता, कुछ परसेंट कंपनी कट लेती है। तो पॉलिसी सरेंडर में थोड़ा लॉस तो है। तो आज के वीडियो में हम न्यू जीवन शांति प्लान की फीचर्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बेनिफिट्स और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बहुत ही आसानी से डिस्कस करेंगे। लेकिन 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 उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रीजी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड हर वीडियो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब जानते हैं न्यू जीवन शांति प्लान के फीचर्स के बारे में। तो ये प्लान एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम पेमेंट डिफर्ड एन्युइटी प्लान है। प्लान नंबर है 858। सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान यानी इस प्लान को बाय करते समय आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम पेमेंट करना होगा और आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। ये प्लान आपको दो एन्युइटी ऑप्शंस देती है। ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ डिफर्ड एन्युइटी, जिसके तहत इस प्लान को आप सिर्फ अपने लिए बाय कर सकते हैं। ऑप्शन 2 जॉइंट लाइफ डिफर्ड एन्युइटी, जिसके तहत आप अपनी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स या भाई बहन को इस प्लान में शामिल कर सकते हैं। आपको कौन सा एन्युइटी ऑप्शन चूज करना है ये आपकी चॉइस है। इस प्लान में आपको गारंटीड पेंशन, डेथ बेनिफिट और दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लान को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर बाय कर सकते हैं। अब जानते हैं प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो इस प्लान में एंट्री करने की मिनिमम एज लिमिट है 30 साल की और मैक्सिमम एज लिमिट है 79 यानी कि 79 इयर्स। मिनिमम वेस्टिंग एज है 31 साल की और मैक्सिमम वेस्टिंग एज है 80 साल की। वेस्टिंग एज का मतलब वो एज जिस पर आप पेंशन का क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जब आप 31 साल की एज कंप्लीट कर लेंगे तो पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। पेंशन तो आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, लेकिन पेंशन स्टार्ट होने के समय अगर आपकी एज 80 साल क्रॉस कर लेती है तो आप पेंशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 साल का है, यानी पॉलिसी बाय करने के 1 साल बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड है 12 साल की, जो मैक्सिमम वेस्टिंग एज के अधीन है, यानी प्लान बाय करने के 12 साल बाद आप पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो इस प्लान को परचेज करने के लिए मिनिमम परचेज प्राइस है 1,50,000 यानी कि 1,50,000 रुपए और मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। अब मिनिमम एन्युइटी की बात करें तो अगर आप मंथली एन्युइटी मोड चूज करते हैं तो आपको पर मंथ 1,000 रुपए मिलेंगे। क्वार्टरली मोड चूज करने पर 3,000 रुपए मिलेंगे। हाफ ईयरली मोड चूज करने पर 6,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आप एनुअल एन्युइटी मोड चूज करते हैं तो आपको ईयरली 12,000 रुपए मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं न्यू जीवन शांति प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एन्युइटी पेमेंट बेनिफिट की। तो अगर आप ऑप्शन 1 जो कि सिंगल लाइफ डिफर्ड एन्युइटी है उसको चूज करते हैं, तो डिफरमेंट पेमेंट के दौरान एन्युइटेंट को यानी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और डिफरमेंट पीरियड के दौरान अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। डिफरमेंट पीरियड के बाद आपको एन्युइटी पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको ये पेंशन पेमेंट मिलती रहेगी। अगर आपकी डेथ हो जाती है
तो तुरंत आपकी पेंशन स्टॉप हो जाएगी और आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन 2 यानी कि जॉइंट लाइफ डेफर्ड एन्युटी को चूज करते हैं तो डेफरमेंट पीरियड के दौरान प्राइमरी एन्युटेंट यानी आपको या सेकेंडरी एन्युटेंट यानी कि आपकी वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे या भाई बहन जिन्हें भी आप जॉइंट लाइफ एन्युटी प्लान में शामिल करेंगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। डेफरमेंट पीरियड के बाद आपको एन्युटी पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप जीवित हैं आपको मिलता रहेगा और आपके बाद सेकेंडरी एन्युटेंट को एन्युटी पेमेंट मिलता रहेगा जब तक वे जीवित हैं। और सेकेंडरी एन्युटेंट के डेथ के बाद पेंशन तुरंत स्टॉप हो जाएगी और नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो एन्युटी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों पर ही डेथ बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन 1 में पॉलिसी होल्डर यानी कि एन्युटेंट की डेथ के बाद उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा और ऑप्शन 2 में सेकेंडरी एन्युटेंट की डेथ के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। जैसा हमने एन्युटी पेमेंट बेनिफिट में बताया था, डेथ बेनिफिट पेमेंट के लिए भी 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1 है लंपसम डेथ बेनिफिट, जहां नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पूरी अमाउंट एक ही बार में यानी कि सिंगल पेमेंट में पे किया जाएगा। ऑप्शन 2 है एन्युटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट, जहां LIC की तरफ से नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की अमाउंट से एक इमीडिएट एन्युटी प्लान परचेज करने का एडवांटेज दिया जाएगा। ऑप्शन 3 है इंस्टॉलमेंट बेनिफिट, जहां डेथ बेनिफिट की बिग अमाउंट को नॉमिनी एक बार में लेने के बजाय 5 साल की इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट के भी 4 मोड्स अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली और ईयरली। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोड चूज किया जाता है तो नॉमिनी को 5,000 पर मंथ मिलेंगे, क्वार्टरली में 15,000, हाफ ईयरली में 25,000 और अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोड चूज किया जाता है तो नॉमिनी को 50,000 पर ईयर मिलेंगे। इसके अलावा इस प्लान में लोन बेनिफिट और सरेंडर बेनिफिट अवेलेबल है। पॉलिसी बाय करने के 3 महीने के बाद आप पॉलिसी से लोन ले सकते हैं और आप कभी भी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आपको एन्युटी ऑप्शंस बहुत सोच समझ कर चूज करना होगा, क्योंकि एक बार आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो बाद में उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।